नमस्ते। हमें आलोचना करुथले चंद्रशेखर रथंक रचित मु सत्यधर्मा कहुची प्रबंध एवं एई प्रबंध वास्तविक होची दि आपोलोजी ऑफ सोक्रेटिस रो छायारे रचित होइथिबा प्रबंध जहाँ आमे कही पारिबा सोक्रेटिस क्षमा प्रार्थना। प्लेटोंकर डायलॉग मानंक मध्यरे आपोलोजीर गोटिए विशेष स्वातंत्र्य रहिछि। विचारालयरे उपस्थित होई सोक्रेटिस निज सपक्षरे लढ़ी जहाँ कहिथिले तार एक अविकल विवरणी प्लेटो एही डायलॉग रे प्रदान करिछंती। सोक्रेटिसंकर वक्तृता को लिपिबद्ध कला बेले केउठी भाषार परिवर्तन व्यतीत प्लेटो मूल घटना मानंकर कौनसी परिवर्तन करिनांती। मूल कथागुडिकर कौनसी परिवर्तन न करिबाकू से आंतरिक उद्यम करिछंती बोली निजे सूचना मध्य देइछंती। प्रथमतः डायलॉग रो नामकरण होईछि दि आपोलोजी ऑफ सोक्रेटिस बा सोक्रेटिस कर आपोलोजी। द्वितीय रे प्लेटो निजे सोक्रेटिस कर विचार बेले विचारालय रे उपस्थित थिले बोली डायलॉग रे अछि। एहा द्वारा प्लेटो जणाइबा को चाहंती जे से निजे सोक्रेटिस को विचारालय रे सुनी छंती। प्लेटोंक लेखामानंक सहित परिचित नहले निजर नाम उल्लेख करिथिबा विषयटीर गुरुत्व कदापि बुझी हेबो नाही। प्लेटोंकर सबु डायलॉग सोक्रेटिस ओ केतेक बंधुंक मध्यरे आलोचनार गोटिए गोटिए विवरणी किंतु आलोचना बेले प्लेटो निजे उपस्थित थिले बोली अन्य कौनसी डायलॉग रे उल्लेख नाही। केवल दि एपोलोजी ऑफ सोक्रेटिस छाड़ी देले। प्लेटोंकर आंतरिकता को बाद देले सोक्रेटिसंकर विचार घटनाटी ग्रीक इतिहास रे अति गुरुत्वपूर्ण। एपरी एक गुरुत्वपूर्ण घटना को प्लेटो अदल बदल करिबा मध्य संभव नुहे कारण सोक्रेटिसंकर विचार रो अनेक प्रत्यक्षदर्शी प्लेटोंकर डायलॉग को पढ़ी थिबे। एई सबु कथा विचार करी पंडित माने निसंशय होइछंती जे प्लेटोंकर लेखनी सोक्रेटिसंकर मुहर कथा को केवल लिपिबद्ध करिछि एवं सेई जो डायलॉग तार अनुवाद मध्य आजिकाली वेब रे इजिली अवेलेबल हो पारिबो। तेबे चंद्रशेखर रथ ताकु जेते बेले निजे ओडिया रे आक्षरिक अनुवाद न करी भाव एवं विचार दृष्टि रु अनुवाद करिसंती आमे ताहाई एठी पाठ करूछे एवं तांक विरुद्ध रे अभिजगर जो स्तर पर्यंत पहुंची थिले आलोचना रे सेठी थिला जे मृत्युदंड तांक पाई आसन्न केवल घोषणा सुनाइबा को बाकी अछि एवं सेही जगह रे सचराचर कौन हुए अभिजुक्तर आत्मीय स्वजन परिवार रो लोक माने आसी तार जीवन भिक्षा करंती विचारालय को प्रभावित करिबार प्रयत्न करंती किंतु सोक्रेटिसंकर परिवाररु कौनसी व्यक्ति आसी नहंती बा सेमिति अनुरोध मध्य करि नहंती। से एकथा कहुछंती जे मु से भली करू नहीं एवं करू नहीं बोली आपण मानंकर अहंकार को बाधु थिबो आहत अनुभव करूथिबे। तापरे से पुनी कहुछंती मु कोन ताहले मनुष्य नुहे मु स्वीकार करूछि धर्मावतार मु काठ नुहे किंबा पत्थर नुहे
ରକ୍ତ ମାଂସ କ୍ଷୁଧା ତୃଷ୍ଣାର ମୁଁ ବି ଏକ ମଣିଷ। ମୋର ପରିବାର ଅଛି, ପତ୍ନୀ ଅଛି, ନାବାଳକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଖସାମତ କରିପାରୁନାହିଁ ବୋଲି ଏ ବୃଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ 70 ବର୍ଷ ମାନେ ପାଖାପାଖି। ତେଣୁ ଏଇ ବୃଦ୍ଧ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ବା ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ସେପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ସାମାନ୍ୟ ଆଉ କେତେଟା ଦିନ ସକାଶେ ଜୀବନ ଭିକ୍ଷା କରି ମୁଁ ମୋର ଆତ୍ମାକୁ ଅବନମିତ କରିପାରୁନାହିଁ। ଆପଣ ନ୍ୟାୟର ଆସନରେ ବସିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳ ବିନ୍ଦୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ନ୍ୟାୟାଳୟର ଅବମାନନା କରିପାରୁନାହିଁ। ମୋତେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଆଖ୍ୟାତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇପାରୁନାହିଁ ମୋର କ୍ରିବତାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇ ସେମାନେ ଏଇ ଦେଶଟାକୁ ଉପହାସ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନିଜେ ଅସାଧାରଣ, କାରଣ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧର ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ଆସିଛି ସେଇ ଅଭିଯୋଗର ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ସେ ସେ ସମୟର ସବୁଠାରୁ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି। ସକ୍ରେଟିସ୍ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ ସେ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି। ମାନେ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞତା କାରଣରୁ ସକ୍ରେଟିସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମୋର ଦୁର୍ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଏହା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। କି ପ୍ରକାର ବିଜ୍ଞତା ସେ ନିଜକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବୋଧ ହୁଏ ମାନବିକ ବିଜ୍ଞତା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମନେ ହୁଏ ଯେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କଲି, ମାନେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ନାମ ଏନିଟସ୍ ସମ୍ଭବତଃ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି, ଏବଂ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଇଏ ନାସ୍ତିକ, କେବଳ ନାସ୍ତିକ ନୁହେଁ, ଇଏ ପବନରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ପୃଥିବୀର ଗୋପନ ରହସ୍ୟ ସବୁ ଖୋଜନ୍ତି। ଏବଂ ଏକଥା ବି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯୌବନରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ପରିହାର କରି ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନେ ହୁଏ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କଲି, ଯେଉଁ ଏନିଟସ୍ ଭଳିଆ କିଛି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ସେମିତି ପାରୋସ୍ ଆଉ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଏନସ୍ର ବାସିନ୍ଦା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ଅତି ମାନବିକ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଛି, ବା ଏହାକୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯିବ ମୁଁ ଜାଣେ ନା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଅତି ମାନବିକ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ। ଯିଏ ମୋତେ ଅତି ମାନବିକ ପ୍ରଜ୍ଞାର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି କହେ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ମୋର ଅପବାଦ କରିବା ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କହୁଛନ୍ତି ଏଥେନ୍ସ ବାସୀଗଣ ଦୟାକରି ମୋତେ ବାଧା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏପରିକି ମୁଁ ବଡ଼ିମା ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ, କାରଣ ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ମନରୁ କହୁନି, ମୋ କଥାର ଉତ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିନିବେଶ ଦାବି କରେ। ମୋର ପ୍ରଜ୍ଞା ଯଦି ହେଇଥାଏ ଓ ଏହାର ପ୍ରକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଡେଲଫାଇର ଦେବତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେରିଫନ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେ ମୋର ବାଲ୍ୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେ ବନ୍ଧୁ, ଏବଂ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନିର୍ବାସିତ ହୋଇଥିଲେ ଓ
आपण मानक सहित फेरिले एठी आमे मने रखिबा जरूरी ख्रीष्टपूर्व 404 रे एथेन्सियो गणतंत्र विपर्जय घटीथिला 30 जन स्वेच्छाचारी शासन दक्षता करगत करथिले एवं प्राणदंड पाइनथिबा गणतांत्रिक नेता माने निर्वासित हेथिले किंतु वर्षक मध्यरे सेमाने गणतंत्र प्रतिष्ठा करथिले। चेरिफोन एई निर्वासित गणतांत्रिक नेतामानंकर मध्यरु अन्यतम थिले। तेणु चेरिफोन कोउ धरणर लोक जानिछंती एथेन्सवासी से जेउं कार्यरे हात दियंती सेथिरे किपरि से उद्यमशील से थरे डेल्फाई कु तीर्थ करि जाइथिबा बेले दैवी वाणी कु एई प्रश्नटी पचारिबार दुस्साहस करथिले। भद्रमंडली वर्तमान मु जहाँ कहिबा को जाउची सेथिरे दयाकरी बाधा दियंतु नाही। से पचारिले सक्रेटिस अपेक्षा अधिक विज्ञवती विज्ञ व्यक्ति केही अछंती कि उत्तर आसिला केही नाहंती। एवं सेही पवित्र पीठरु जो उत्तर मिलिथिला तार साक्षी देबा पई सौभाग्य बा दुर्भाग्यर कथा कहिबा चेरिफोन सेठारे नथिले कारण तांकर देहांत हो जाइथिला किंतु तांकर भाई सेठी सेई विचारालय रे उपस्थित थिले। तेणु सक्रेटिस कहउछंती तांकर भाईंकु पचारंतु ए घटना घटीथिला कि ना। तेबे जेतेबेले चेरिफोन आसी कि सक्रेटिसंकु कहइछंती जे दैवीवाणी ओराकल एमती हला तापरे सक्रेटिस निजे निजकु प्रश्न पचारी जे मु सतरे विज्ञ कि एवं तार परीक्षा करिबा पई विज्ञ लोकमानंक पाखकु से जाई एवं सेमानंकु प्रश्न कला परे से जो अनुभव करी जे एमाने केवल भाबुछंती सेमाने विज्ञ किंतु निजर अज्ञता संपर्करे सचेतन नुहंती। तेणु एई प्रसंगरे सक्रेटिस जहाँ कहउछंती जो कोर्ट रे विचारालय रे तांकर जज को न्यायाधीश को से कहउछंती आपण को मु प्रभावित करिवा पई कोनोसी उपाय अवलंबन करी नाही किंतु गोटिए जिनस जे एई देशर बा जणे जीवंत मणिसर जहाँ को मते जिमिति भाबरे कहउछि प्रत्येक व्यक्ति होउछंती अनुपम असाधारण किंतु गोटे सामूहिक अहंकार से असाधारणत्व को स्वीकार नकरी ताकु देशद्रोही देशर कंटक बा ताकु एक पागल बा सेमिति पथभ्रष्ट करूथिबा व्यक्ति हिसाबरे आख्या दियंती किंतु से कहउछंती ताहा द्वारा देशटा उपहसित हेब मोर से बाबदरे किछि अधिक कहिबार नाही। मु सेहिथि पई केवल निज पक्ष रखिबार चेष्टा करिछि। तापर आकु आहुरी कहउछंती किंतु हे समाजर पट्ट पुरधागण एई माने आजि ग्रीस रो बा एथेन्स रो नेतृत्व नेउछंती आपणकर हातरे देशर भविष्यत अछि। मु तथापि कहिबी जे आपण एथिरु निवृत्त हुवंतु माने मते जो दंड देबा पई आपण माने समवेत हेइछंती विचार करूछंती एहा मानव जाति पई कल्याणकर नुहे। तार कारण मिथ्या असूयार वशवर्ती हई आपण माने मते हत्या करंतु नहीं कारण मु मरी गले मो भली आउ जनकु आपण केबे पाइबे नहीं। इतिहास रे आमे जदि कहिबा सक्रेटिसंकर द्वितीय जन्म आउ संभव हेबो नहीं बा हेई नहीं। जो माने हेई छंती सक्रेटिसंकर उच्चता कु से माने पहुंची पारी नहंती। स्वेच्छारे जो माने समाज को जाग्रत करिबा पई अपना जीवन को उत्सर्ग करिछंती पूर्ण सचेतन भावरे हेमलेक विष पान करी जीवनदान करिछंती इतिहास रे सेमिति घटना आउ घटी नाही। कारण से कहउछंती जे मु मरी गला परे मो भली आउ गोटे लोक आपण पाइबे नाही। से एक कथा कहउछंती मालिक रो निर्देश रे
डाउंस भड़ी आपणंकु लाहुड़ मारी बारंबार जाग्रत करिबा थिला मोर असाधारण भूमिका। तेणु एठी जो प्रथम अभिजेक भितरे गोटे अभिजेक थिला से नास्तिक, एठी किंतु कहउछंती से मालिक, माने से परमतम सत्ता परमेश्वर जहाँ को ग्रीसर लोक माने अस्वीकार करिपारंती कारण से साकार रु निराकार पर्यंत निजकु प्रलंबित करी रखी पारिथिले। तेणु से कहउछंती मु जहाँ किछि करिछि से मालिकर निर्देश रे एवं कौन करिछि ना मु समस्तंकु डांस भलिया दंशन करी जाग्रत करिबार प्रयत्न करिछि। माने मनीष सचेतन हुवंतु प्रथम जिनसटिए से माने जानंतु निजे कौन, जदियो आमे परवर्ती समय रे आधुनिक दर्शन रे श्री अरविंद ए बाबदरे अधिक स्पष्ट भावरे कहउछंती जे मनीष जदि निज संपर्क रे जानिबार प्रयत्न करे ताहले एई कथा से जानिबो से पशु ठारु उन्नततर किंतु तथाकथित देवता मानंक ठारु निम्नतर। तेणु मनुष्य होउछि एक मध्यवर्ती कालीन अवस्था। अन्य दर्शन रे आहुरी अनेक कथा भी कुहाइछि जेमिति मनीषटाकु से माने कहउछंती प्लाज्मा टाइप, से तरल नुहे किंबा कठिन नुहे, एक मध्यवर्ती अवस्था भितरे से अछि, कौनसी शेप नहीं पारे जो शेप भितरे आमे ताकु रखिबा। तेणु से जो शेप ताहा होछि समाजर छांच। तेबे सक्रेटिस एठी कहउछंती जे मालिकर निर्देश रे डांस भली आपणंकु लाहुड़ मारी बारंबार जाग्रत करी रखिबा थिला मोर असाधारण भूमिका। अस्तित्ववादर मर्म कथा ग्रंथरे एकथा मध्य शरत कुमार महांती उल्लेख करिछंती जे घोड़ा माने काले सोई पड़िबे बोली जेमिति डांस मारी तांकु जाग्रत करा जाए। सक्रेटिस इतिहास रे मनीष मानंकु सेमिति दंशन करी तांकर वाक्य बाणरे तांकर जिज्ञासारे प्रश्नरे एई सचेतन करिबार प्रयास केवल करिछंती। तेणु से कहउछंती मु चाली गले आपण माने सोई जिबे, सोई जिबार अर्थ होउछि इतर प्राणी भळी पशु भळी आपण माने बंचिबे निश्चे। हाँ आपण माने सोई जिबे निश्चेतन स्थबीर होई जिबे आपणंक पाई आपणंकर असंख्य वंशधर अनुतप्त न हुवंतु कारण मनीष भितरे जेउ संभावना अछि एई सृष्टि एई विश्व प्रकृति बा भगवान मनीषकु जेउ छांचरे जेमिति भाबरे गढ़ीछि से जेउ उच्चताकु पहुँचि पारिबो सेई उच्चता को पहुँचु एवं पहुँचिबा पई हेले सक्रेटिसंक परि गुटे डांस सबुबेले रहिबा दरकार जिए निरंतर आमर विवेक बोध को जाग्रत करुथिबो। एवं जदि से न रहे भविष्यतर वंशधर माने कहा भितरे जदि सामान्य चैतन्य उदय हेला ताहले से कहिबो आमर बाप अजा माने आउ टिके अधिक जदि सचेतन हेथांते आमे कौ उच्चता को जाई थांते किंतु से माने केवल धन जौवन उपभोग क्षमता प्रतिपत्ति पाई केवल लढ़ी छंती निजकु जानिबा पाई जो प्रयत्न करिबार थिला ताहा से माने करी नाहंती। तेणु आपणंक आचरण रे देश लज्जित कलंकित न होउ साधुर रक्तपात करी आपण कलुषित न हुवंतु। तेणु निजर पक्ष रखिला बेले सक्रेटिस खूब नम्रतार सहित कहउछंती एई घटना जदि घटी जाए माने मते जदि मृत्युदंड दिए दिया जाए ताहले देश लज्जित एवं कलंकित हेबो एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण जिनसो मु कहार केबे कोनोसी जगारे पूर्ण सचेतन भावरे भी अनिष्ट करी नाही। तेणु साधु जदि आपातत कुहा जाई पारिबो तार रक्तरे आपण एई एथेन्स कु कलुषित करिदेवे कलंकित करिदेवे एथिपाई केवल आपणंकु सतर्क करिदेबा उचित मने कली एणिकी आपण
इच्छानुरूप विचार करि परंती मोर आउ किछि कहिबार नहि। तेबे जेति कि कथा प्रबंधिक चंद्रशेखर रथ उल्लेख करिछंती ताहा होउछि संक्षिप्त एवं सारांश। तांकर युक्ति तांकर समुदाय एपोलोजी रे अनेक प्रसंग अनेक दृष्टांत से उपस्थापन करिछंती। एठी मुख्य विषय गुड़िक केवल से भाव दृष्टि रु उपस्थापन करिछंती प्राबंधिक। तथ्य इतिहास रे रहिछि संपूर्ण पुस्तक आकार रे मध्य अवेलेबल। आमे चाहिले सक्रेटिसंकर संपर्क रे प्लाटोंकर एई डायलॉग कु पढ़ी पारिबा एवं अधिक तथ्य जानि पारिबा। तापरे पुनी प्राबंधिक लेखुछंती माने एठु जजमेंट संभवत हेई जाइछि एवं से जजमेंट हेई सारला परे से कहुछंती आपणंक विचार रे मु आद्व विस्मित नुहे। प्रत्येक आखिरे एहार प्रतिफलन अनेक बेळु लक्ष्य करी सारिथिली। एणु प्राणदंडर निष्पत्ति पाई मु प्राय प्रस्तुत थिली। ताहा ही हेला जेतेबेळे तांकु दंडादेश सुनेई दिया हेछि सक्रेटिस एक कथा मध्य उल्लेख करिछंती से कहुछंती जे आपण मते दोषी सब्यस्त करूथिबारु मु क्रोधान्वित नहेबार कारण अनेक अछि। तेबे गोटिए हेला जहाँ घटिला ता मो पाई अप्रत्याशित नुहे। मु जानिथिली जे मते मृत्युदंड दियाजिबो बरं मो सपक्षरे भोट संख्या मते विस्मित करिछि कारण मृत्युदंडटा जहाँ विचारालयर मुख्य विचारपति जहाँ कहिबे ताहा नुहे। लोक माने सेठी जो थांती माने विचारालयर सभ्य संख्या से माने भोट रे कोण दंड दिया जीवो तांकर संख्या उपरे ताहा निर्भर करे। तेबे से वास्तविक से विचारालय रे खूब अल्प संख्यक भोट रे सक्रेटिस हारी गले बा सक्रेटिस को मृत्यु दंड रे दंडित कराहिछि। तेणु सक्रेटिस भी कहिथिले एते अल्प संख्यागरिष्ठटा संख्यागरिष्ठ भोटरे मु दोषी सब्यस्त हेबी बोली मु केबे भाबी नथिली बा कल्पना करिथिली। वर्तमान जणा पडुसी जे 30 टी भोट एकड सेकड हेइथिले मु मुक्ति पाइथांती। एपरि परिस्थिति रे मने होउछि मु मिलिटस उक विरुद्ध रे जिणी जाइछि। केवल सेतिकि नुहे समस्ते स्पष्ट जानी पारी छंती जे जदि एटिनस ओ लाइकन मते अभिजुक्त करिबा पाई आगे आसी नथांते तेबे एको पंचमांश भोट नपाई मिलिटसंकु हजारे मुद्रा जरिमाना देबाकु पड़िथांता एवं से मृत्युदंडर प्रस्ताव कु जो अभिजोगकारी माने मृत्युदंड पाई प्रस्ताव देछंती मु निज पई की दंड प्रस्ताव करी भी। कारण से समय रे ग्रीस रे गोटे नियम थिला जे अभिजोग जदि प्रमाणित हुए ताले दोषी निज पई दंड बाछिबार सुविधा एथेंस रे दिया जाउथिला। तेणु से कथा मध्य कहउछंती जे एहा अवश्य मोर उपयुक्त हेइथिबो ए जो मृत्यु दंडटा मु अक्लांत भावरे ज्ञानर साधना करिथिबारु अथच अर्थ उपार्जन सांसारिक कर्म शासन पद ग्रहण ओ राजनैतिक आड्डा दलरे जोग देबा इत्यादि जनता जत्न करुथिबा कार्यरे अवहेला करिथिबारु मोर की दंड पाइबा बा कोन जरिमाना देबा उचित हेबो बोली से व्यंगात्मक शैली रे एही कथा पचारी छंती। तबे से जहा हो तापरे अक्कु को जाई की कहउ छंती जे दंड तो दिया गला मृत्यु दंड किंतु एहा परे काहे की पुणी कुहा जाउ छी जे आपण आत्मरक्षा करिवा पई प्राण भिक्षा करिवा पई अनुमति दिया हे छी सक्रेटिस को। आपण कोन तथापि आशा करू छंतु जे मु मृत्यु भय रे आजीवन कारादंड बा दीपांतर पाई प्रार्थना करिबी किंबा किछि
अर्थदंड विनिमय मते खलास करा जाऊ बोली अर्जी करिबी माने से प्रार्थना करिबी एभली चिंता करिबा को मते भारी कौतुक लागुची। तापर से पुनी कहउचंती धरा जाऊ मते अर्थदंड दिया गला आपण कोन मोर अवस्था अनुसार ताको ह्रास करि परिबे। धरंतु से समय रे ग्रीस रो मूल्य अनुसार जहा धार्य थिला 10 लाख टंका धरंतु वर्तमान रो तारीख रे आमे कहिबा ये कोन कहिबे जे 10 लाख टंका को 5 लाख कि लक्ष कि 10,000 रे सीमाबद्ध करि दियो से कथा संभव नहे। तापर से कहउचंती मो पाखरे वर्तमान 3टा पैसा अछि माने मो पाखरे वर्तमान मात्र 3टी पैसा अछि किंतु मो विरुद्ध रे जाईथिबा 33टी मत को अंततः गोटी को पैसा टिए दर रे क्रय करले आहुरी 30 पैसा नियंत हे जाउची। एठी मोर परिचित अनेक तेजियान तरुण बसिछंती आपण कहंती जे सेमाने मोर शिष्य कोन आपण कहुछ बोल माने कहउचंती प्लाटो क्रिटो पद्मपाद सुरेश्वर विवेकानंद मात्र 30टी पैसा पाई अंगीकार देई पारिबो 33टी पैसा देई तुम गुरुंक प्राणभिक्षा करिबो करिबो बोली कहुछ। आमे जानिछे सक्रेटिसंकर अन्यतम शिष्य मानंक मध्यरे प्रसिद्ध थिले प्लेटो मीनो गर्गियस एवं फिडो फिडोंक सहित जदि आमे देखिबा फ्रिडस एमाने होउछंती वास्तविक तांकर अनुगत शिष्य किंतु प्राबंधिक एठी आउ तीनोटी नाम जोड़ी छंती जौ माने भारतीय संस्कृतिर अन्यतम विभूति हिसाब रे विश्व जीवन को प्रभावित करिसंती एवं एई तीनि जन होउछंती इतिहासर अन्यतम वरिष्ठ ओ चर्चित चरित्र पद्मपाद सुरेश्वर विवेकानंद। तेबे प्रबंधिक सीधा सळक भाव रे आमे देखिबा जे सक्रेटिसंकर ए माने वास्तविक सेई कालखंडर शिष्य नुहंती किंतु काहीं की सक्रेटिस विवेकानंद बा पद्मपाद भलिया चरित्र नाम उल्लेख करिसंती ताहा होउची अमर आलोचना एवं एई आलोचना आमे परवर्ती अध्याय रे रखिबा एवं सेई अध्याय होउची ए मु सत्य धर्मा कहुचिर अंतिम अध्याय हबो जेउठी प्राबंधिकंकर उपस्थापना शैली शब्द संयोजना विषयर निर्जास सारांश उद्देश्य पृष्ठभूमि सबुगुड़िक आमे आलोचना करिबार प्रयत्न करिबू। कमेंट रे जहाँ चाहिबे लिखि पारिबे। नमस्ते, धन्यवाद।